हमारे घर के पास एक लड़का था, वो उनके घर पर झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से वो आम के पेड़ पर चढ़ के आत्महत्या कर लिया था। वो कहानी के बहुत साल हो गया था, लेकिन लोग जो है ना वो डेली लेके कहानी बनाते थे। हम उधर उसको कल देखा था, वो यह कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। पता नहीं कितना सच्चाई था, लेकिन कोई ना कोई एक एक बात बोलता था उसके बारे में। लेकिन मेरी जो दादी माँ थी ना, वो एक सेम कहानी हर बार सुनाती थी, बहुत बार सुनाती थी। वो यही बोलती थी, मतलब उनके घर की गेट के गेट से वो निकलता है, हमारे घर के आगे तक आता है, हमारे घर से फिर उनके गेट तक जाता है, लेकिन गेट खुलता नहीं, फिर वापस आ जाता है। यही वो रात भर करता है। हम सुन के बड़े मतलब मजाक उड़ाते थे मेरी दादी में। अच्छा, तुमको दिखाई दे रहा है, हमको तो कभी नहीं देखे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा है, उसको सोना पीना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही गेट खोल रहा खोलने की कोशिश कर रहा है, नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है, खुल के तो जाना चाहिए घर को, क्यों नहीं जा रहे। हम ऐसे मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो आगे पीछे कुछ नहीं बोलते थे, बस यही सेम कहानी वो बोलती थी हमेशा, कि वो ऐसे हमने देखा वो उधर गेट नहीं खोल रहा है, हमारे घर के पास आ रहा है, फिर वापस उधर तक जा रहा है, गेट को ऐसे हाथ दिखा रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है। ऐसे करके बहुत साल हो गया। मेरा छोटा भाई के पास तब जॉब नहीं था, वो टेंट हाउस करता था। हमारा जो टेंट हाउस का जो बाम्बू है ना, वो बाम्बू एक हमारा लेमन के पेड़ के पास ऐसे करके रखते थे। वो डेली कुछ ना कुछ बाम्बू 8-10 पीछे से चोरी करके ले जाते थे लोग, लेकिन जला के मतलब काम चलाते थे। हम एक दिन क्यों है रात को 10:30 से 11 के बीच होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। हमने तब हमारा बाथरूम नहीं था, हम शुशु करने के लिए बाहर गए थे। जाने के बाद हमको देखा एक बामन, मतलब 3 फीट हाइट का होगा एक आदमी, हमको दिखाई दिया। उनकी गेट से निकल के आ रहा था, टच नहीं कर रहा था, सेम हमारे बाम्बू ट्री तक आ रहा था, उधर से फिर वापस उधर तक जा रहा था। हमने ऐसे नोटिस किया, हमने चुपके बैठ गए उधर। हमको लगा वो कोई चोर आया है वो बाम्बू लेने के लिए। हमने चुपके के ऐसे बैठ के देखा, 3-4 बार वो ऐसे कर रहा है। मैं चुपके बैठ बैठ के आ गई घर को, डोर ऐसे ही खुला था, आगे मम्मी को उठाई, उठ जाओ जल्दी, वो हमारा बाम्बू को चोरी करके लेके जा रहा है। मेरी मम्मी मतलब दिन भर काम करके थकान से उनको नींद आ रही थी, वो बोले ये जाके सो जाओ, रात 11 हो गया, तुमको कोई काम धंधा नहीं, क्या रात भर जाके हम बाम्बू के पास जाके बैठेंगे, सो जाओ जाके, कोई लेगा तो लेगा, कोई बात नहीं। मैं बोली नहीं चलो ना, मम्मी बोली नहीं मुझे नहीं जाना, तुम भी सो जाओ। मैं बोली चलो ठीक है, तुम मुझे टॉर्च दे दो। तब क्या होता था, बड़ा बड़ा वो सेल वाला था ना टॉर्च, 5 सेल वाला बड़ा टॉर्च था मेरे पापा के पास, 500 सेल वाला क्या कुछ ऐसा ही था, वो बहुत दूर तक लाइट जाता था। वो टॉर्च में चुपके लेके आ गई, आने के बाद लाइट ऑन नहीं की थी क्योंकि मुझे चोर का जो मुंह है ना देखना था। मैं ऐसे चुपके आके फिर से बैठ गई, मैं देख रही थी वही सेम कर रहा है, मतलब छोटा बच्चा नहीं है वो, 2.5 फीट से 3 फीट का हाइट होगा उसका, लेकिन एक आदमी था, आदमी जैसा दिख रहा था, बामन जिसको बोलते हैं, जिसका हाइट नहीं बढ़ता। मैंने ऐसे देख के, हमारे घर के आगे के साइड से 2 डोर है, एक तो बीचों बीच के, एक घर की एंडिंग में एक डोर है, मैं घर की एंडिंग तक चली गई। उधर से 10 फीट का मतलब दूरी होगा वो बाम्बू जिधर रखे थे। मैं बोली इधर से टॉर्च लगाएंगे तो उसको आराम से चेहरा दिखेगा, आज तो मैं पकड़ के ही छोड़ूंगी। मैंने जैसे उधर गई वो दौड़ के मेरे पास आ गया, मुझे ऐसे फीलिंग हुआ, अगर मैं डरती तो मैं उधर तक जाती नहीं, मुझे किसी एंगल से भी नहीं लग रहा था भूत प्रेत कुछ है, मैं 100% श्योर थी वो टाइम में, मतलब वो आदमी है, कोई चुरा कर लेने के लिए आया है, वही प्लानिंग से आया है। मुझे ऐसे जैसे दौड़ के आ गया, मैं डर के दौड़ने लगी, मतलब वो इतना स्पीड में आया, मुझे लगा वो मुझे मार देगा। मैं सोची शायद गुस्से में आ गया, मैं आके डोर बंद कर ली। होने के बाद कुछ नहीं आया, ऐसे 5 मिनट ऐसे क्लोज करके मैं घर के अंदर से खड़ी रही डोर के पास। खड़े होने के बाद मुझे कुछ आवाज़ नहीं आया, मुझे डाउट लगा, नहीं वो गुस्से से मुझे डरने के लिए आया है, वो ही पक्का आदमी है, हमारे गाँव का एक आदमी है, मुझे उसके ऊपर डाउट था। मैं सोच रही थी वही तो है मुझे ऐसे डरा रहा है, मैं तो आज छोड़ूंगी नहीं उसको। इसे करके मैंने थोड़ा सा डोर ओपन कर करके देखा तो कोई नहीं, फिर से मैंने क्या किया, वो स्टेप के पास चली गई,
जाके फिर से चुपके बैठ के देखने लगी, वही सेम कर रहा है। मतलब वो बाबा जी धरा के उधर आ रहा है, उनकी उनके खुद के घर के गेट तक जा रहा है, वो ऐसे हाथ कर रहा है, ओपन नहीं कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, फिर वापस आ रहा है। मैं बोल रहा ये क्या ड्रामा है, ये रात भर के ऐसे ही करते रहेगा? मतलब वो मुझे गुमराह कर रहा है। जब उसको मालूम पड़ गया, मैं देख लिया उसको, बस ड्रामा कर रहा है, मतलब हम चोरी नहीं कर रहे, हम ऐसे ऐसे टाइम पास कर रहे। मैं तो नहीं छूने वाली। मैंने क्या किया, थोड़ा नीचे जाके फिर से टॉर्च लगाया। जैसे जलाया, वो टॉर्च मिनिमम 500 मीटर तक जाता है, वो रात के अंधेरे में फुल क्लियर दिखता है, लेकिन वो 5 फीट की दूरी पर वो लाइट वापस आ रहा था। मतलब वो आगे से कुछ देख नहीं रहा था, वो लाइट के आगे क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं कि वो वामन मुझे दिख रहा था, वो आदमी दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा, वो अंधेरा दिख रहा था, लाइट के आगे अंधेरा दिख रहा था। एक दो बार ऐसे हुआ, टॉर्च जला है नहीं, अचानक से बंद हो गया। मैं सोची क्या हो गया, फिर से ऑन करने की कोशिश की, इधर उधर करके करने की कोशिश की, तो फिर जलने लगा। फिर मैंने उधर सर्च किया, ये सर्च किया, तो बाहर तक लाइट जा रहे। जब जो वो साइड में जो था ना आदमी, उस साइड में मैंने लगाया, वो लाइट नहीं जा रहा है। जैसे मैंने दोबारा लाइट ऐसे उसके ऊपर घुमारा, वो फिर से मुझे मतलब महसूस हुआ कोई आ रहा है, दौड़ कर इस बार मुझे मार देगा। तो मुझे ऐसा हुआ, यही मतलब इंसान नहीं है, शायद ये भालू है, बियर। तो वही वो ना टाइम में क्या होता था, रिमर करते थे लोग कि कार रात को भालू आया था, हम उधर देखे थे, इधर देखे थे, जंगल से आ गया है, पता नहीं लोग सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे। मुझे यही लगा कि शायद लोग सच ही बोल रहे थे, ये बियर ही है, कोई इंसान नहीं है। ऐसे सोच के हम क्या किए, घर के अंदर घुस के, तो हमको डर लगने लगा जोर से, हम डोर बंद कर ली। जैसे जोर से प्रेस कर रहे थे, लेकिन बाहर से कोई ताकत हमको जोर से मतलब ओपन करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा ये पक्का भालू है, उसको टॉर्च उसके ऊपर मार दिया तो उसको गुस्सा आ गया, अब तो मुझे इधर ही फाड़ देगा। घर सारे घर वाले मेरे सो रहे हैं, किसी को खानों का खबर नहीं मिलेगा, आज तो मैं मरने वाली हूँ। तब तक मुझे वही लग रहा था। होने के बाद बहुत मैं जब भी मुसीबत आता है या आने वाले होता है, मैं भगवान का नाम लेती हूँ कि मुझे बचा लो। जब भी मैं नाम लेती हूँ ना, भगवान मुझे बचा लेते हैं। उसके बाद मैंने भगवान का नाम लिया, भगवान बचा लो, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई, मतलब हिम्मत दिखाने का जो ड्रामा किया, अब हिम्मत मेरा टूट गई थी। मुझे किसी कीमत पर मुझे खुद को बचाना था। ऐसे करने के बाद वो उधर से कोई प्रेस कर रहा था, मतलब ताकत लगा रहा था, मैं इधर से ताकत लगा रहा कि बहुत मुश्किल से डोर बंद कर ली। तो मुझे मतलब ज़्यादा मुझे मतलब घबराहट होने लगा, मैं ऐसे डर डर के घर के अंदर आ गई। हमारा एक रूम जो था, हमारा बेडरूम, वो घर के आगे की तरफ था, मेरी बहन और मैं दोनों सोते थे उधर। मैं जाके मैं कभी उड़ के नहीं सोती हूँ, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन मेरी बहन का एक मतलब बुरी आदत है, वो साल भर से उड़ के सोती है। मैं जाके चुपके इतना डर रही थी, उसके अंदर जाके उड़ के उसके नीचे सो गई, जाके उसका नींद टूट गई। क्या हुआ, डर रही हो क्या? बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ठंड लग रही। वो आश्चर्य हो गया, मतलब तुमको कैसे ठंड लग रही, तुम आज उड़ के सो रहे हो, तुम तो कभी नहीं सोते, या तो मुझे टच भी नहीं करने देते हो, दूर जाके सोती हो, एक बार नींद में टच कर लेती हूँ तो वो गुस्सा कर लेते हो, मार लेते हो मुझे रात को। नहीं नहीं बस मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने ऐसे झूठ मूठ बोल दिया, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उधर मुझे मतलब वही, तो मुझे भालू ही लग रहा था, मतलब एक खिड़की तोड़ के आ जाएगा। तो मुझे काला काला उधर दिखा खिड़की के आउटसाइड में। मैं ऐसे रात भर फूल उड़ के ऐसे सोने की कोशिश की, बहुत रात हो गया था, नींद नहीं आ रही थी डर के मारे, पता नहीं कब आँख लगी। सुबह हुआ, मैंने वही बात सारे घर वाले को बताई। मेरी दादी माँ बोले तुम तो बड़े मजाक उड़ाते थे मेरी, हमको नहीं दिख रही है, झूठ है, वही आया था, कोई भालू भालू नहीं है, पता नहीं वो क्या था। आप लोग को कहानी लगेगी, लेकिन ये क्या था तो मुझे, मैं तो श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकती भूत था कुछ था, लेकिन मैंने अपने आँखों में देखा है, अपने आँखों से हमने देखा है, 100% देखा है, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन वो क्या है इससे कोई आइडिया नहीं मिला।